देवरिया के गीता ज्वेलर्स के बाहर कस्टमर से ज्यादा पुलिस खड़ी है। पुलिस सीसीटीवी की फुटेज खंगाल रही है। चप्पे चप्पे को ध्यान से देखा जा रहा है और इसकी वजह है गीता ज्वेलर्स में हथियार के दम पर हुई लूट। बदमाश इसी गीता ज्वेलर्स से 32 लाख रुपए के आभूषण लूट कर फरार हुए हैं। घटना सर हुई, चैन आके मांग रहा था। चैन बोले कि चैन नहीं है इस टाइम, अंगूठी। तो कह रहा कि अंगूठी दिखाइए, अंगूठी दिखाई। उसके बाद गन निकाल के दिखा, गन दिखाने लगा और बोला कि सब माल भरो नहीं तो गोली मार देंगे। कितने रुपए का सामान लिया सर? 600 ग्राम सोने का माल था, 8-10 किलो चांदी का, 30-35 लाख का माल था। दुकानदार के मुताबिक बदमाशों की संख्या 2 थी जो बाइक पर सवार होकर आए थे। बदमाशों ने पहले हथियार लहराए और फिर लूट कर आसानी से फरार हो गए। जिस जगह पर ये ज्वेलरी शॉप है वो सदर कोतवाली क्षेत्र के रुद्रपुर रोड पर है। थाना क्षेत्र कोतवाली अंतर्गत गीता ज्वेलर्स की शॉप से दो बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित करने की तहरीर आई, मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। जांच की जा रही है, टीमें लगा दी गई हैं, जल्दी ही खुलासा कर दिया जाएगा। सूरज ही इस ज्वेलरी शॉप का मालिक है। सूरज की दुकान अच्छी चलती है, लेकिन बदमाशों ने जिस तरह से वारदात को अंजाम दिया है उसे देखकर कहा जा सकता है कि बदमाशों ने पहले इलाके की अच्छी तरह से रेकी की थी। बदमाश कई किलो चांदी और सोना लूटकर फरार हुए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवदीप टुडे।